हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि अभी हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार इस चीज़ से निपट सके। उसी तरह इस बार सरकार ने फिर एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसके ज़रिए हम पता लगा सकेंगे कि आपके आसपास, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। और इसकी जानकारी डायरेक्ट सरकार के हद पर जाएगी कि अगर आपके एरिया में, आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव है तो डायरेक्ट सरकार को ये चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। और टाइम ना लेते हुए चलिए मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में विस्तार में जल्दी से बता देता हूँ। तो हम पहले अपने एप्लीकेशन में जाते हैं, तो वहाँ लिखेंगे हम आरोग्य सेतु। इसमें जो हार्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है वही एप्लीकेशन है, इसे आपको डाउनलोड करना है। जैसे तो मैं कर चुका हूँ, सो मेरे में डायरेक्ट ओपन आ रहा है। तो अभी देखते हैं, चलो इसको ओपन करके देखते हैं। तो जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे, सबसे पहले ये हमसे लैंग्वेज पूछेगा। इसमें हर तरह की लैंग्वेजेस अवेलेबल है, आपको जो भी लैंग्वेज अपने हिसाब से सूटेबल लगती है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती। सो मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे जाके नेक्स्ट पे सिलेक्ट करिए। यहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको ब्लूटूथ, मोबाइल शेयरिंग और लोकेशन, ये तीनों चीज़ ऑन रखनी है ऑल द टाइम, ताकि आपको ये एप्लीकेशन यूज़ करने में प्रॉब्लम ना आए। इसके बिना एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और कुछ जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर की है वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद यहाँ से हम इसको रजिस्टर करेंगे, जिसमें ये हमसे डिवाइस लोकेशन, ब्लूटूथ, डेटा रोमिंग की परमिशन मांगते हैं। सो हम इसको आई एग्री करके परमिशन दे देंगे ताकि ये चीज़ यूज़ कर सकता है। उसके बाद जैसे आप एग्री करेंगे, यहाँ पे आपको अपना, यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर एडिट करना है। सो आपको एक ओटीपी दिया जाएगा, जैसे ओटीपी आएगा अपना आप एग्री हो जाएगा। अब यहाँ से आपको परमिशन देनी है उनको, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने, इसमें सारी इंक्वायरी दी हुई है कि आपको क्या क्या चाहिए, मतलब कैसे इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। अगर आपको डोनेशन भी करना चाहते हैं तो इसके अंदर उसकी भी डिटेल्स मौजूद है, जो सीधा भारत सरकार के अंदर में है। सो आपका पैसा कहीं गलत जगह नहीं जाएगा। तो अगर कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए वो भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए, जैसे मैं अपने बारे में कुछ जानना चाहता हूँ तो टेस्ट अगेन पर क्लिक करूँगा। यहाँ से ही कुछ मेरे से सवाल पूछेगा, जैसे कि मेरा जेंडर क्या है। सो जैसे मैंने मेल सेलेक्ट कर दिया, फिर ये मुझसे पूछेगा अपनी एज क्या है। मैं इसमें एज डाल दी मैंने। उसके बाद ये मुझसे पूछेगा कि आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है, कफ, फीवर, और लेकर नहीं है सर। तो वो पूछ रहे कि आपको और कोई बीमारी है, मैंने उस वेल ना बोलते हैं कि वन ऑफ द अबव। फिर वो पूछ रहे कि आप 14 दिन पहले से 14 दिन में कहीं बाहर गए थे, अगर नहीं। और भी वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप उनको सिलेक्ट करके बताइए। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे फिर ओके करके सबमिट कर दिया। सो फिर उनका ये रिप्लाई आएगा मेरे को, यू आर सेफ, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि आपको एप्लीकेशन अच्छी लगी होगी। कृपया इसको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ शेयर करें, ताकि हम ये कोरोना की जंग जीत सकें और भारत सरकार को हम उनकी मदद कर सकें कि हम उनके साथ हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।